उद्धव ठाकरे गुट में जाएंगी पंकजा मुंडे, एमएलए से मिला खुला ऑफर, देवेंद्र फडणवीस बोले। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे क्या बीजेपी छोड़कर उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होंगी? दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील सिंधे और चंद्रकांत खैरे ने पंकजा को पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पंकजा मुंडे पर अन्याय हो रहा है। खैरे ने कहा कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की वजह से मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ा था। खैरे ने कहा कि सुनील सिंधे भले ही छोटे पदाधिकारी लेकिन उनकी बात तो बहुत जरूर उद्धव ठाकरे से हुई होगी, जिसमें उन्होंने पंकजा मुंडे के साथ हो रहे के बारे में उन्हें बताया होगा। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि पंकजा मुंडे के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, उन्हें हमारे दल में आना चाहिए। उद्धव गुट के नेताओं ने कहा कि पंकजा मुंडे एक बड़ी पार्टी की बड़ी नेता है, उनके पार्टी में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से नजर आता है। पंकजा मुंडे के नेतृत्व को हम सलाम करते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, वे अपनी पार्टी में ही काम करेंगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मातोश्री के दरवाजे अगर पंकजा मुंडे के लिए खुले भी होंगे तो वह भी कभी वहां नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका असली घर बीजेपी ही है, इसलिए ख्याली पुलाव पकाना बंद करें। उद्धव गुट के नेताओं का यह स्टेटमेंट महज एक राजनीतिक स्टेटमेंट बन के रह जाएगा। हालांकि अभी तक इस ऑफर पर पंकजा मुंडे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।